जूटी भी गलत है, हुतन भी गलत है, नन्नू भी गलत है, उसका तो डांस निकलता है उठी के कपड़े फैलाने पे रोनके लगती है। गली से आज चांद गुजरा नहीं, दूसरा पैर भी तोड़ देंगे अगर एक फैमिली फ्रेम में आओ। झूठी जो बम छोड़ के जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। आपने रात को वीडियो बहुत एंजॉय किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। अभी मॉर्निंग में आप लोगों को ये वीडियो मिल रहा है, लेकिन इस समय रात के बजे हैं 11। सब लोगों के कमेंट्स पढ़कर बड़ा मज़ा आया मुझे, तो मैंने सबके रिप्लाई भी दिए। तो मेरा दिल किया कि अभी मैं कौन सा सोने वाली हूँ। वैसे ही दिल्ली में है तो भैया 12 साढ़े 12 नॉर्मली बज जाते हैं, तो खाना पीना खा पी कर। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी बातें ही कर लूँ आपसे, फिर मैं भूल जाऊँ, उससे अच्छा है कि मुझे झूठी और प्यारी लगने लग जाए कल, जाने की मॉर्निंग आज आपको ये वीडियो मिल रहा है, और शाम तक जो झूठी है वो बड़ी प्यारी लगने लग जाएगी मुझे। क्योंकि वो पार्लर वाली जो कर लिया उसने, पार्लर वाली ने, तो अब की बार ऐसा मेकअप करना है झूठी का कि हम लोग ही नहीं पहचान पाएंगे कि एक्चुअली में ये शादी में तो गोपी बहू नहीं बन पाई। तो अभी क्या ये करीना कपूर बन जाएगी और मम्मी जी रेखा बन जाएंगी, क्योंकि शादी में गोपी बहू ये इसलिए नहीं बन पाई थी, उस समय जो है वो दुपट्टा मैडम जो है, वो जो चंपा कली है, वो नहीं आई हुई थी इनकी ज़िंदगी में। अब वो आ गई हैं, तो अब पता लगेगा कि वो क्या बनी, ये लोग क्या बने। मैं तो कहती हूँ कि आज तो ये लोग नहा ही ले, नहाए तो होंगे है ना, नहा धो कर फिर तो एक गाना भी ये गुनगुना ही ले, वॉशिंग पाउडर निरमा, और वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा से नहाना पड़ेगा। जब पता लगा कि गुलाब जो है वो तो इतने दिन नहीं नहाता भाई, तो मैल नहीं उतरेगी, निरमा से इनको नहाना पड़ेगा। अब सब लोग ये मत सोचना कि ये प्रमोशन वीडियो है निरमा की, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही है ना, मुझे पता मेरी वाइटी फैमिली नहीं समझेगी, लेकिन ये झूठी की जो भेड़े हैं मैं उनके लिए बताना चाह रही हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर, जो कि ऑलरेडी हम लोग बढ़ ही चुके हैं, आधी बातें तो मैंने कर ही ली हैं। अब मैं क्या कहना चाहती हूँ, अब मैं जो कहना चाहती हूँ वो आप सुनिए। झूठी की मदर की स्ट्रगल मुझसे पूछा है मनीता जी ने, उन्होंने बोला डिंपल जी आप ये बताइए, मदर की स्ट्रगल तो हमें समझ में आती है ना, लेकिन ये जो इनकी बेटी है ये कौन सी स्ट्रगल कर रही है। अब मैं बताती हूँ यहाँ पर कि आप लोग ये देखिए, मदर की जो स्ट्रगल थी वो उनका स्ट्रगल पीरियड कहा जाएगा, समझ में आ रहा है सबको है ना। अच्छा बच्चों को ही चुना, अब सब लोग कहते हैं कि ये ना कहीं, उर्मिला जी कहते डिंपल जी ये ना कहीं सेकंड मैरिज के लिए, री मैरिज के लिए कि क्यों नहीं की उन्होंने। देखिए हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये जो है ना फोर्सफुली कहा जाता है, भाई सारी जिंदगी पड़ी है, कहाँ अकेले गुजारोगे है ना, कैसा होगा आगे, क्या मतलब दुख है सुख है ना। लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं वो नहीं चाहती हैं कि वो अपना प्यार जो है ना बच्चों का, जो मतलब बच्चों के लिए जो उनका प्यार है वो किसी के और के साथ शेयर करें है ना। माँ को तो फोर्सफुली कहा जाता है भैया तू सुतेली माँ है, तू बच्चों को प्यार दे ये कर, लेकिन एक बाप जो होता है ना वो बाप नहीं बन पाता दूसरे बच्चों का। तो यहाँ पर चलिए वो सीन था, तो फिर चलिए मैं ये भी बताना चाहती हूँ, दो बातें हो गई कि ये बेटी का स्ट्रगल कौन सा है, ये पुत्तन की बात हो रही है, मदर का स्ट्रगल तो सबने देखा है ना, लेकिन पुत्तन के लिए पूछा जा रहा है कि पुत्तन का कौन सा स्ट्रगल है। अच्छा जी पुत्तन का स्ट्रगल जो है वो है उसकी बहुत ही इजी वे में उसको सब कुछ मिल जाना, जो कि खुद जैसे कहते हैं ना कि बड़े बच्चे जो होते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया, जो भी गलतियां करी, या फिर जो भी उनकी अच्छाइयां जो हैं छोटे बच्चे उनसे सीख जाते हैं, ऐसे पुत्तन बहुत कुछ सीखी। सबसे पहली उसकी जो गुरु रही है उसका नाम था झूठी। फिर जी गुरु की जिंदगी में भी एक गुरु आया जो कि स्क्रिप्ट राइटर था है ना। तो उस स्क्रिप्ट राइटर की जो है मतलब उसने चेला बनना ना मंजूर कर दिया पुत्तन ने। पुत्तन पहले तो चेला बनी, फिर धीरे धीरे पुत्तन को लगा नहीं ये चेले बनने मतलब ये गुरु बनने लायक नहीं है, तो पुत्तन ने उसको छोड़ देना ही उचित समझा। पुत्तन जीजा जी करती घूमती तो थी उसके अगल बगल आसपास, उसकी सेवा भी करती थी, आते जाते जब ये लोग आए तो रहते थे, बुकड़ों जैसे कच्चे चावल भी खाते रहते थे, फिर भी पुत्तन खिला देती थी, सेवा कर देती थी अपने, वो ना कितने प्यार से वो फुलके फुलाती थी, फुला फुला कर इनको ही फुला दिया उसने।
तो ये खाते पीते रहते थे। फिर पुत्र ने देखा कि नहीं, इनको ज्यादा भाव नहीं देना। झूठी को एक साल के लिए बुलाना उसने बंद कर दिया था। उसने अपनी मनमानी करी, उसने बोला झूठी मैं तेरे नक्श कदमों पर नहीं चलूंगी, है ना, क्योंकि मैंने अभी जो भी अपनी लाइफ पार्टनर जिसको भी चुना है वो अच्छा है। तो झूठी ने भी देखा, उसने भी ट्रायल लेना चाहा कि ये लाइफ पार्टनर कैसे अच्छा हो सकता है इसका, है ना। मतलब इन्होंने फिर उसको वहां पर बुलाया, है ना, उसको टास्क दिया गया। अच्छा जी, वो उस टास्क में भी पास हो गया। ये ए बी को मैंने थोड़ा सा बीच में लिया है। ट्रायल मतलब कि आजमाना चाहा था, है ना, कि ये कैसा, मोटू ने आजमाना चाहा। तो जी ये झूठी और मोटू ने उसको वहां बुलाया जहाँ ये लोग, जहाँ दिल्ली में मिले, तो इनको लगा कि घर बार भी अच्छा, भैया इन दोनों की जमेगी, कपल भी लोग आएंगे, वो लड़के की जॉब भी अच्छी है, भैया इसकी जिंदगी में तो फिर ये वाह वाह लूट ले जाएगी, भाई नहीं ये तो गलत बातें हो गई हैं। तो चलो, वैसे भी उन कहते हैं ना, रिश्ता जो है जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। अब इसका जोड़ीदार बनना जो है वो नन्नू को ही होगा, है ना। तो फिर वो चीजें जो है कट ऑफ हो गई। भैया दुनिया की यहाँ तो लड़कियां जो है फेरों से उठ जाती हैं, ऐसा कौन सा इन्होंने कुछ ऐसा कर लिया था जिसका इतना बवंडर बन गया। लेकिन ये खुद ही रोस्ट होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि भाई रोस्ट होते ही रहे लास्ट तक। अभी जो है मैं ना आप लोगों के साथ कुछ कुछ शॉर्ट क्लिप भी लगाया करूंगी। भाई पंजाब का एक छोटी सी उम्र का 23 साल का वो गगन लाली, क्या उसने बातें बताई है ना यहाँ पर, कि ये कुछ ऐसे होते हैं हम लोग जो चाहते हैं कि हमें रोस्ट किया जाए, नहीं तो व्यूज गिर जाते हैं भैया, और कुछ नहीं। अच्छा जी, तो पुत्तन की बात हो रही थी यहाँ पर। तो ये पुत्तन जो है इसका स्ट्रगल पीरियड इसकी लाइफ में कौन लाया, है ना, तो इसकी लाइफ में ये खुद ही लाई है, क्योंकि पुत्तन के अपना कोई डिसीजन है ही नहीं, ऐसा इसने ए बी ने भी बोल दिया था। जिस दिन इसका सेल्फ डिसीजन हो गया, भैया ये तो जिंदगी के मजे लूटेगी, है ना, जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी, ऐसा कहा था। अब भैया पुत्तन जो है इतने डंप भी नहीं है, ऐसा भी ना समझे आप, है ना। पर वही बात है ना, जब अपने आप को छोड़ ही दूसरों पे दिया है, अब डोरी किसी और के हाथ में, तो वो अपने हिसाब से पतंग इधर से खींचे इधर से खींचे, कभी ढील दे कभी छोड़े, वही चीजें हो रही हैं पुत्तन के साथ। जहाँ फिर पुत्तन के कुछ ऐसे छुपे हैं राज जूठी के पास, कि पुत्तन जो है वो बोल ही नहीं पाती, फोर्सफुली उसको ये अपने यहाँ ले जाती है, कभी छोड़ जाती है, पता नहीं बेचारी के साथ चल क्या रहा है उसके साथ, है ना। मुझे तो भैया सहानुभूति है ना, यही कहना चाहूंगी उसके साथ। अच्छा जी, तो फिर उसकी जिंदगी में नन्नू जीजा के साथ जोड़ीदार बनना तय हुआ। भगवान जी कहते तेरी शादी इसी के साथ होगी। शादी भी हुई। स्टार्टिंग का टाइम पीरियड मतलब हर लड़की के साथ होता है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, वो चीज़ें भी हुई। 9th month स्टोरी भी बड़ी अच्छी लगी, जब तो सास भी हंसती खेलती थी, खुशनुमा थी, सब चीज़ें थी, अच्छा था सब कुछ। वही बात आ गई ना झूठी की, कंटेंट कंटेंट कंटेंट। भैया राइटर ने जब वो चीजें लिखी हुई हैं उसको भी तो पे किया हुआ है झूठी ने, है ना। अब तनख्वाह उसकी वो काट नहीं सकती, क्योंकि वो हजम कर चुका है खड़के गलासी में, अब वो वापस कहाँ से करे, क्योंकि वो खड़के गलासी भी किसी और के साथ नहीं, खुद के ही अपने ही भाई के साथ करी थी उसने, है ना। तो फिर पैसा वापस कहाँ से हो। तो अब झूठी को उसने बोला कि कोई स्कीम लगानी पड़ेगी, क्योंकि पुत्तन ने यहाँ शादी के बाद 9th month स्टोरी भी हुई है पुत्तन के साथ, और उसकी जिंदगी में एक हस्ती खेलती जान भी आ गई जिससे वो बहुत ही प्यार भी करती है ना। अब हो गया ना वही बात कि बहुत इजीली सब कुछ भगवान उसकी झोली में डाल रहे थे, अच्छा घर, अच्छा वर और अच्छा ही सब कुछ, अच्छा बच्चा, और क्या चाहिए लाइफ में, है ना। वही बात आ जाती है ना, धन पैसा है, भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, घर है, अच्छा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन नहीं पसंद आया। देखो दो बर्तन जहाँ होते हैं वो खड़कते ही हैं। अब यहाँ पर ये कोई मत बोलना कि नन्नू गलत है, नन्नू गलत है, नन्नू गलत है, भाई ये झूठी भी गलत है, पुत्तन भी गलत है, नन्नू भी गलत है, उसकी फैमिली भी गलत है, दोनों ही गलत है, ठीक है। यहाँ पर गलतियां होती हैं इंसानों से ही, ठीक है ना, भगवान से तो गलती नहीं हो सकती, है ना। इसलिए जहां पर दो बर्तन होते हैं खड़कते ही हैं, छोटी मोटी बातें सब घरों में होती हैं, नन्नू के घर में भी हुई है ना, वही तो पुत्तन के भी हुई हैं। सोशल मीडिया पर क्यों धकेल देते हो नेगेटिविटी, इसलिए रोस्ट होते हो, इसलिए बातें फिर हमें बतानी करनी पड़ती हैं, है ना। तो इस तरीके से मनीता जी इनका जो है स्ट्रगल पीरियड जो है अपनी बहन की वजह से स्टार्ट हुआ। अब आप समझ जाए, अब ये सिंगल मदर जो खुद को कहती है, इनसे भी इन्हीं की एज की जो है लड़कियां मैं बता दूंगी जो कि सिंगल मदर है। अब जी मुझे यहाँ पर ये कहा गया कि स्ट्रगल जो है मदर ने की, है ना,
ये कहती, हमारी माता जी ने इतनी स्ट्रगल की, हमें पढ़ाया लिखाया। बहन मेरी एक बात बता, पंजाब में भी 12वीं तक सरकारी स्कूल में लड़कियों की शिक्षा फ्री है ना? और कॉपीज वगैरह जो है थोड़ी बहुत ही बाहर से खरीदनी पड़ती है, वहां से वो भी मिलती है उनको। सरकारी स्कूल से ही तुम लोग पढ़े हुए हो, कितनी फीस थी उस समय में? अगर 1 रुपए में तुम इतना कुछ लेती थी तो फीस कितनी होगी, 4 या 5 रुपए या इससे भी कम, या बिल्कुल फ्री। पंजाब में तो फ्री है 12वीं तक, और साइकिल भी दिया जाता था। जब तक कि वो बादल सरकार थी वो तो साइकिल देती थी, अब की जो सरकार है पता नहीं वो साइकिल देती है कि नहीं देती, है ना? अब तुम लोगों को साइकिल मिला कि नहीं, क्योंकि तुम लोग पंजाब और HP के बॉर्डर पर हो। अब तो यही समझ में नहीं आता, तभी तो हरकतें भी इनकी वैसी ही है ना, ये फिर इधर के है ना उधर के, बिन पेंदे के लौटे हैं। कभी इधर भी लुढ़कते हैं, कभी इनकी भेड़ें भी जैसे लुढ़कती हैं ऐसे ये भी लुढ़कते हैं। तभी तो भैया ये किसी भी वही मुद्दा तो ये उठा लेते हैं लेकिन उसको सोल्व नहीं कर पाते हैं, है ना? तभी तो ये सब चीजें हो रही हैं। अभी तो खूब धमाल हो रहा था, आज का जो मेरा, सॉरी ये तो मॉर्निंग में मिलेगा आपको एपिसोड, मतलब कल रात का जो मेरा एपिसोड था उसका जो थंबनेल था उस पे लिखा गया था, सास जीजा साली का डीजे डांस। डीजे नाइट तो आज मतलब कि हो चुकी है रात को, तो आज तो पार्टी अलग होएगी, पार्टी चलेगी सारी रात, वो वाली हो जाएगी, है ना? तो मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करना भूल गई, इसलिए आज के थंबनेल पर कर देती हूँ मैं वो चीजें मेंशन कि देखिए साली तो है, साले हार भी तो है, अब तो चंपा भी है, दुपट्टा भी है, दुपट्टा ले लेके ऐसे नाचेगी। एक तो उसका ये वाला डांस जो है ना भैया, बर्तन धोते हुए भी उसका डांस निकलता है, कपड़े फैलाते हुए भी उसका डांस निकलता है, उसका तो डांस निकलता है, और झूठी के कपड़े फैलाने पे रौनकें लगती हैं। अब झूठी यहाँ पर आई है तो सूखी तो नहीं ये जाएगी, ये कुछ रौनकी ऐसा कुछ करके जाएगी जिससे कि कंट्रोवर्सी क्रिएट ही रहे, है ना? जैसा कि पिछले दिनों से चली जा रही है, चली जा रही है, सालों साल हो गए हैं, कंट्रोवर्सी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब ये कहाँ थमने वाली है? ये नहीं थमेगी, नहीं रुकेगी, ये वही आंधी तूफान है जो सबकी जिंदगी में आ गया। ये वो आंधी तूफान है जिसके लिए एक गुणगान गाया था किसने, लखन के पापा जी ने, ये वो आंधी है जिसका पता होता नन्नू जीजा को भी तो वो अपने और पुत्तन के नहीं, अपने पुत्तन के बीच में एक दीवार खड़ी कर लेता। नहीं शायद मैं गलत गा रही हूँ यहाँ पर, ये गलत है भी, पता नहीं क्यों मैं एक ये शेरो शायरी भी ढंग से नहीं बोल पाती हूँ। अच्छा, पुत्तन और अपने साथ मतलब एक दीवार अपने आगे ऐसी खड़ी कर लेता कि जो कि वो आंधी को पुत्तन तक ना पहुंचने देता, शायद अब ठीक है, ताकि कम से कम उनका रिश्ता तो सही से बचा रहता। अब जो फर्स्ट फ्लोर खड़ा करा है उसमें एक बेडरूम जो है झूठी का है और साथ में मोटे का है ना? अब उस खिड़की में से मुझे लिखा है धर्म सिंह सहगल जी ने, है ना, उस खिड़की में बैठकर ये बाहर देखती रहेंगी, ये किसको निहारेंगी, ये उसमें से निहारेंगी, कहीं गली में से गुजरा, कहते हैं ना गली से आज चांद गुजरा, नहीं गली से आज नन्नू जीजा गुजरा। अगर वो गुजरा तो उसके लिए एक डांग लेकर ये रखी रहेंगी कि दूसरा पैर भी तोड़ देंगे अगर यहां से निकला तो। झूठी ये रिश्ता कभी भी इनका फिर से बनने नहीं देगी, और बातें भी इतनी हो चुकी है ना अब तो पॉसिबिलिटी हमें भी नहीं लगती। अगर इनको अलग होना ही है, आज भी कहते हैं कल भी कहेंगे, साइलेंटली अलग हो जाओ। अगर रिश्ते में थोड़ा सा भी लगता है बच्चे को लेकर कि हाँ हम एक हो जाएंगे, अपने पास्ट को भूल जाएं, जो हुआ वो भूल जाएं, लेकिन अपना रिश्ता एक करके चले, है ना? तो भाई बता दो, खुल के आओ सामने, एक फैमिली फ्रेम में आओ और आकर वो बात कर जाओ, ताकि सबके मुंह बंद हो जाए, है ना? ये इधर से कभी फुल डाड़ी छूटती है, कभी उधर से छूटती, वो चीजें मत करो, है ना? अब बाकी झूठी जो बम छोड़ के जाएगी ना, फिर अब क्या ही बोलें, फिर की जब बोलेंगे, ठीक है? चलिए जी, कैसा लगा ये वीडियो बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ शाम को एक अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप अपना और अपनों का रखें ख्याल, क्योंकि आप हो तो हम हैं।